अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो थीम शेयर करूंगा उसका नाम है एक्सपीरियंस यूआई। इसमें आपको काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी, न्यू आइकन पैक और कमाल के यहां पे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, क्लॉक विजेट आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको न्यू नेटवर्क आइकन, बैटरी आइकन देखने को मिलेगा और भी बहुत सी अच्छी कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना और उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहाँ पर अपडेट्स डालता रहता हूँ। आप ये थीम अपनी डिवाइस के अंदर ज़रूर अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि ये थीम आपको कैसी लगी। बहुत जल्द मैं Xiaomi डिवाइसेस के लिए भी थीम लेकर आऊँगा, इसी मंथ के अंदर मैं जो है Xiaomi डिवाइसेस का सेल फोन लेने वाला हूँ और आपके लिए जो है Xiaomi डिवाइसेस की थीम्स भी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी और Oppo Realme की थीम तो वैसे ही आपको देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करते, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस थीम को परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपके पास अगर Realme UI 1.0 है तो उसके लिए आपके पास थीम स्टोर का जो वर्जन है वो 7.1.1 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme XT और इसमें अभी तक Realme UI 2.0 का अपडेट मुझे नहीं मिला और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ थीम स्टोर का जो वर्जन है 7.1.1 और iMode Pro ऐप का जो वर्जन है वो 1.3.4 मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यूज़ कर रहे हैं Realme UI 2.0 ColorOS 11 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको जो है थीम स्टोर का वर्जन 7.4 बीटा इंस्टॉल करना पड़ेगा और iMode Pro ऐप जो है 1.3.4 इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी यह थीम आपकी डिवाइस में परमानेंटली वर्क करेगी विदाउट एनी 5 मिनट ट्रायल एरर। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से थीम फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने ओपन करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने जाना है फ़ोन स्टोरेज में और जहाँ पे आपने थीम को डाउनलोड करके रखा होगा उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। यूजली आपकी थीम डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव होती है तो आपने डाउनलोड फोल्डर को ओपन करना है। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर अपनी थीम रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने इस थीम पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको इस थीम का कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। तो ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल का एक एरर आपको देखने को मिलता है। इसको बाईपास करने के लिए आपने iMode Pro एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपने 1 से 2 मरतबा टैप कर देना है। थीम आपकी परमानेंट हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं, कमाल के लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। क्लॉक विजेट काफ़ी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बात करें नेटवर्क आइकन की तो यहाँ पे आपको एक न्यू नेटवर्क आइकन भी देखने को मिल जाएगा। न्यू आइकन पैक आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल का लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम जो है प्योर स्टॉक एंड ड्राई के आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको काफ़ी कमाल के आइकन्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार भी आपको काफ़ी चेंज देखने को मिल जाएगी। डायलर पैड आपकी डिवाइस को कुछ इस तरह का लुक जो है प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमल यहाँ पे आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और नंबर्स यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे डायलर पैड के, और यहाँ पे आपको 3D जो है डायलर पैड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कमाल के लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, वर्किंग कीज़ हैं, और यहाँ पे आपको बिग क्लॉक विजेट एंड्रॉयड 12 का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है डेट वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप अपनी डिवाइस को चार्ज पर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।